प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में एक नए महीने को जोड़ा है और हम आशा करते हैं कि ये महीना आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 1:1-3 जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो दुष्टों के रास्ते पर नहीं चलता है, जो ठट्टा करने वालों की चुगली करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, उस पुरुष को बाइबल धन्य कहती है। इसका मतलब केवल पुरुष नहीं है, स्त्री भी है, दोनों हैं, पुरुष और स्त्री, उन दोनों को परमेश्वर धन्य कहता है, आशीषित कहता है। आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, उनके मार्ग पर नहीं चलता है, गलत रास्तों की ओर नहीं चलता है, वो अपने आप को गलत बातों से बचाकर रखता है, चुगली करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। उस पुरुष को, उस स्त्री को परमेश्वर का वचन धन्य कहता है, आशीषित कहता है। आगे देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। दोस्तों फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति का काम है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है, उस पर ध्यान करता रहता है। किस पर? बाइबल पर, परमेश्वर के वचन पर वो ध्यान करता रहता है। वो क्या करता है? वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, बल्कि वो उस समय को परमेश्वर के वचन पर लगाता है, परमेश्वर के वचन को मनन करने पर उस समय को लगाता है। परंतु हम लोग अक्सर देखते हैं, खासकर हम बहनों के जीवन में भी देखते हैं और भाइयों के जीवन में भी देखते हैं, वो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठते हैं और एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं, दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम यदि मसीह में हैं तो हमें ये सब नहीं करना है। इन बातों से हमें भागना है, इन बातों से हमें दूर रहना है। और उस समय को, जितना समय आप दूसरों की चुगली करने पर लगाते हैं, जितना समय आप ठट्टा करने पर लगाते हैं, जितना समय आप दूसरों के साथ गप मारने में लगाते हैं, उतना समय यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उस पर मनन करने में लगाएंगे तो आप बहुत अधिक आशीषित होंगे। आगे हम देखते हैं क्या आशीष है उस व्यक्ति के लिए जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, बल्कि वो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है, उसके लिए क्या आशीष है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो नदी किनारे लगाया गया है, जो पानी के किनारे लगाया गया है, वो अपनी ऋतु पर फलवंत होता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो पानी के पास में है और पानी से उसे सब पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, किसी और चीज की उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि मेन जो चीज है वो तो उसके पास है, पानी उसके पास है और वही पानी उसे फलवंत करता है और वो हमेशा हरा भरा और फलदायक रहता है। कौन? जो पेड़ नदी के किनारे लगा हुआ है, पानी के किनारे लगा हुआ, नालियों के किनारे लगाया हुआ है, इसी प्रकार से वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता रहता है, वो इसी प्रकार से है कि वो हमेशा फलवंत होता रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसे किसी भी बात की चिंता न होगी, किसी भी चीज की आवश्यकता न होगी, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर होगा, उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर होगा, उसे फलवंत करने वाला परमेश्वर होगा। इसीलिए बाइबल कहे कि जो कुछ काम वो व्यक्ति करेगा वो सब सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि उसका ध्यान रात दिन परमेश्वर की वचनों पर लगा हुआ है। यहोशू के लिए परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है कि तू दिन रात व्यवस्था की इस पुस्तक पर मनन करते रहना और इसके अनुसार चलने की चौकसी करना, तो तब
तब लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कब? जब हम भी परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करेंगे। वो जो फालतू टाइम हम वेस्ट करते हैं, हमें से बहुत से भाई बहन जो दिन रात फोन में गेम खेलते रहते हैं, वो जो समय खराब कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि भले ही फोन में ही वो परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रार्थना को सुने, तो परमेश्वर उनके कामों को सफल करेगा, उन्हें प्रभावशाली बनाएगा, उन्हें उस पेड़ के समान बनाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ है, जो हरा भरा है, जिसे किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, वो अपने समय पर फलवंत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, इस महीने आप इस बात को अपने जीवन में ट्राई करें, आप फालतू समय बर्बाद न करें, दुष्टों की युक्तियों में न चले जाएं, ठट्टा करने वालों की मंडली में न बैठें, जहां पर चुगली हो रही वहां पर न बैठें, जहां पर आपका समय खराब हो रहा वहां पर न बैठें, बल्कि आप उस समय को आप परमेश्वर के वचन को सीखने में लग जाएं, फालतू के वीडियो देखने में न लगाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने में अपने मन को लगाएं, गेम खेलने में अपने समय को बर्बाद न करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को सीखने में अपना समय लगाएं। और जब आप इस समय को देते हैं, जब आप ये काम करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। हम में से बहुत से भाई बहन कहते भी हैं कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे। मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को समय नहीं दे रहे हैं। आपको चाहिए परमेश्वर के वचन को आप समय दें, उस पर दिन रात मनन करें, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनिता है और मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 2-3 दिन से मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो चुकी थी। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे और उस दुष्ट आत्मा के जकड़न से मेरी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत पेन था और मेरे भाई हैं विजय, उन्होंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उसके बाद मुझे चंगाई मिल गई। हम डेली सुबह शाम आपकी प्रार्थना सुनते हैं और मैं अमृता मसीह और भाई पी के मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ जिन्होंने मुझे चंगा किया। और सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। सच में हमारा प्रभु कितना महान है जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में कार्य करे, और ये गवाही के माध्यम से हम देख रहे हैं सच में हमारा प्रभु भला है। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस नए महीने में आप सब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। जो कुछ भी आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बीते समय आप परेशान रहे हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आप प्रभु से कहें। इस नए महीने में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु। सच में वो हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्रेम करने वाले, हम पर दया करने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के, सच में आप दया के धनी हैं प्रभु। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर सुबह में। धन्यवाद करते कि रात भर संभाल कर रखा प्रभु और ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। बीते महीने संभाल कर रखा प्रभु और एक ये नया महीना हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रभु इस नए महीने का वेलकम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये महीना हमने आपकी ओर से देखा है परमेश्वर। इस सितंबर महीने के ब्लेसिंग के लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कि इस नए महीने में अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को आप बहुत आयत से आशीषित करें मेरे खुदा। विशेषकर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि इस नए दिन में, इस नए महीने में अपनी अपार दया को आप इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर, इनके जीवनों पर सदा के लिए बनाए रखे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं विशेषकर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो इस महीने की आशीष के लिए आपने कहा है परमेश्वर। आपका वचन जो हमें इस महीने में उत्साहित किया है परमेश्वर पिता, कि प्रभु इस महीने में हमें क्या सफल होने के लिए करना है
है। हाँ प्रभु, इस बात को हम सीख नहीं पाए। लॉर्ड फादर, हम आभारी हैं परमेश्वर उस सुंदर वचन के लिए, उस अटल कभी न टलने वाले वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, आप इस पूरे दिन भर में, इस पूरे महीने में अपने लोगों को गाइड करें। पवित्र आत्मा, आप उनकी हेल्प करें, उन्हें गाइडेंस दें, आप उन्हें सही मार्ग पर चलाएं, जो गलत है उससे फिराएं और जो सही है उसे करने में इन्हें उत्साहित करें। धन्यवाद करते विशेषकर परमेश्वर पिता। प्रभु आपने धन्य कहा है उस मनुष्य को प्रभु, जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, उनके ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हाँ परमेश्वर, यदि ये कमियां प्रभु आज भी आपके लोगों के अंदर है परमेश्वर, तो प्रभु आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते कि आप इन्हें दुष्ट की युक्ति से फेर लाइए परमेश्वर पिता, आप इन्हें ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठने से बचाए परमेश्वर पिता, चुगली करने से बचाए परमेश्वर, दूसरों का मजाक उड़ाने से बचाए परमेश्वर, दूसरों की निंदा करने से बचाए परमेश्वर, जो दुष्ट प्रभु इन बातों को पिता परमेश्वर, गॉसिपिंग को प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में लेकर आता है, यीशु के नाम से प्रभु ये फिरने पाए, इनका मन इन बातों से फिरे और तेरे वचन पर, हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित वचन पर ये दिन रात ध्यान करें, यहोशू की तरह। प्रभु जब यहोशू ने ये किया तो वो प्रभावशाली और सफल हुआ। हाँ प्रभु, इस महीने में सफलता के लिए, आशीषों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने के लिए पिता, तेरे बेटे बेटियां तेरे वचनों पर मनन करें, उस पर ध्यान करें प्रभु, ताकि अपने जीवन में उन कामों में सफल हो सके जिसमें ये कभी भी सफल नहीं हो पाए। प्रभु लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने बुलाया है, वो उस वृक्ष के समान है प्रभु, जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जीवन का जल आप है परमेश्वर, और हमारी जड़ प्रभु जीवन के जल में है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमें हर एक पोषक तत्व पिता तुझसे मिलती है जब हम तेरे वचन पर बने रहते हैं प्रभु। हाँ होने दीजिए, जब आपके बेटे बेटी आपके वचन पर दिन रात मनन करते हैं, आपके वचन को सीखते हैं, दुआ संगति में बने रहते हैं प्रभु, तो पिता ये भाई ये बहन इनका परिवार बहती नाली के किनारे लगाया गया है प्रभु जी, और होने दीजिए पिता ये अपने जीवनों में फलवंत हो, फलदायी वृक्ष के तरह, इसमें बहुत सारे फल लगे हो पिता, तेरे आत्मा के फल इनमें लगे हो पिता, प्रेम शांति नम्रता संयम भलाई कृपा इनके जीवन में सदा बनी रहे, वो फल इनमें नजर आए प्रभु, जो आपके राज्य के लिए, जो तेरे वचन हमें सिखाता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में परमेश्वर ये कार्य करे प्रभु, कि पिता वो हर एक बुरे काम से, हर एक दुष्टता के काम से फिरकर तेरी ओर बढ़े प्रभु, हर एक घमंड, हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन की भावना, हर एक अभिमान, हर एक लोगों का अपमान करना, ये इन सारी बातों से आप इन्हें फेराए परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर ये तुझ पर बने रहे पिता परमेश्वर, और जब ये तुझ में बने हैं तो तेरे गुण इनके अंदर आए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये दिखने पाए जीवित परमेश्वर की संतान की नाई परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन में परमेश्वर हम इनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु, इनके कामों में सफलता चाहते, इनकी जरूरतों को पूरा होने के लिए मांगते पिता, जो कुछ भी आज के दिन में इनकी जरूरत है, इनकी इच्छा है, इनकी वॉन्ट्स है प्रभु, सब कुछ आप पूरा करें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। विशेष काम प्रार्थना करते इस पूरे महीने में प्रभु, अपने बेटे बेटियों को संभालें गलत रास्तों से, गलत बातों से, बुरी बीमारियों से, दुष्ट की युक्तियों से परमेश्वर, नुकसान से, रुकावटों से इस महीने में बचाएं, इनके सारे काम इस महीने में सफल हों, हर एक रुकावटें और बाधाएं दूर हों, जो काम बीते महीने पूरा नहीं हुआ इस महीने में पूरा होने पाए पिता, और पिता ये तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर प्रभु, इनका परिवार आशीषित हो, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश इनके परिवार से दूर हो, और इनके घर परिवारों में सुख शांति समृद्धि और बहुतायत और बरकत इनके परिवार में आए परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब बीते महीने प्रभु ये बीमार अस्वस्थ रहे, इस पूरे महीने में इन्हें स्वस्थ भला चंगा रखे, हर एक बीमारियों से छुड़ाए परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, पिछले महीने प्रभु यदि घटी कमी में रहे, इस महीने में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो पिता, सब कुछ इनके लिए आपके महिमा में धन से पूरा हो, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु जी, जब ये जो कुछ भी कमाते कुछ भी इनके पास नहीं बचता है प्रभु, उसमें बरकत दे परमेश्वर, उस पर आशीष दे परमेश्वर पिता, किसी भी बुरे काम में, किसी भी बीमारी में, किसी भी गलत काम में प्रभु इनकी कमाई ना लगने पाए, वरन पिता जो कुछ भी ये कमाए इनका परिवार इनके बच्चे उसका आनंद लेने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके बिजनेस लॉस में है इस महीने में उनके बिजनेस को आप इंक्रीज करें, जो जॉबलेस है इस महीने में आप इन्हें जॉब दें, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज देने जा रहे प्रभु उसमें आप इन्हें सफल करें, बच्चों को प्रभु स्टडी
स्टडीज में अव्वल करे परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर जिस जिन लोगों के रुके हुए काम है वो इस महीने में बनने पाए परमेश्वर पिता। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे। इस समय जितने भाई बहन बीमार है अस्वस्थ है वो अपने सरों पर हाथ रखें और कहे आज हम सारी बीमारियों से आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे इन भाई बहनों के लिए चंगाई को मांगते हैं और कहते हैं सारी बीमारियां सारा दर्द सारा इंफेक्शन हर एक बीमारी रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए और ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम से, स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम से, छोटे बच्चे यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए, बड़े नौजवान यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए, बुजुर्ग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन सब तेरी संगति में बने रहे, छोटे बच्चों को भी परमेश्वर इनके माता पिता तेरी शिक्षा में पाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर इनके बच्चों को गलत रास्ते से लाइए फेर कर प्रभु जी, प्रभु बुरी संगति से फेर कर लाइए प्रभु, एडिक्शन से इनके परिवार में हर एक जन को बाहर लाइए, बुरे रॉन्ग रिलेशनशिप से आप उन्हें बाहर लाइए। इस महीने में सब कुछ इनके जीवन में परिवर्तन होने पाए क्योंकि ये दिन रात तेरे वचन पर मनन करते हैं और जो मनन करता है जो तेरे पीछे चलता है प्रभु उसके सारे काम सफल होते हैं। प्रभु आज के दिन में इस पूरे महीने में इनके सारे काम सफल हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम विनती करते जो कुछ भी ये भाई बहन मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आप इनके लिए पूरा करें। आप इन्हें अच्छा जीवन साथी दें प्रभु जी, आप इन्हें बच्चे की आशीष दें मेरे परमेश्वर, एक घर की आशीष दें परमेश्वर। जो भी प्रभु इनके ऊपर गलत केसेस लगाए हैं गलत आरोप लगाए उनसे प्रभु आप इन्हें बाहर निकालें, सब कुछ इनके लाइफ में आप अच्छा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनकी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सबकी आप सुधि ले और उनके जीवनों में कार्य करें। विशेष का प्रार्थना करते हैं जिनका आज के दिन में जन्मदिन है, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें दीर्घायु दें। बीते साल संभाला, इस साल में भी प्रभु आप उन्हें संभालें और उनके हर एक सपने को पूरा करें और प्रभु आपकी ओर से उन्हें दान वरदानों से भरे परमेश्वर। प्रार्थना है जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को आपके राज्य में बोया है, अपने दान को दिया, यीशु मसीह आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। आप उनके घर में उनके परिवार में उनके खत्तों पर आशीष दे मेरे खुदा, बहुतायत की आशीष दे, अंजल के भंडारों पर आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में देते इन भाई बहनों को जो डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उनके घर परिवार पर भी आपकी आशीष सदा के लिए बनी रहे। धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहे। हम आप लोगों का, आप भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा हमें और हमारी मिनिस्ट्री को याद करते हैं। सो हम इस बात के लिए आपका और परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।